तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी जो मैच कवर करें वुमेन्स एशिया कप का, जो ये 20वां मैच कवर करें, जो बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस यूएई वुमेन्स के बीच में दोस्तों इस सीरीज का एक और बेहतरीन मैच खेला जाएगा, जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट स्मॉल लीग एंड मिनी जीएल दोनों के लिए ही काफ़ी बेहतरीन रहने वाला। देखो, हमने इधर दोनों ही टीमों को काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, जो स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग्स भी विन करा कर देंगे दोस्तों। साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से वे प्लेयर्स रहने वाले जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे, और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे। तो कहीं ना कहीं आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना, ताकि आप इस मैच से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जानो, जो आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मैच को विन करना। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर दोस्तों। सबसे पहले जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ऐसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक कर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। देखो, जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस मैच की बैटिंग ऑर्डर विद प्लेइंग इलेवन, जो भी हमारी फाइनल टीम होती है, जिस टीम से मैं खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करता हूँ, वो टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे, जहाँ पर 8.1K सब्सक्राइबर्स हमारे जुड़े हुए हैं। तो आप अगर आप हमारे रियल चैनल पर जुड़ना चाहो तो फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन करना, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है, जहाँ पे लोगों को पैड टीम बेचा जा रहा है, जहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुका है। तो बिल्कुल आपको पैड टीम के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप हमारे चैनल पे हो तो जनवन एक फ्री टीम आपको विनिंग टीम में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। जो लोग भी नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लेना और लास्ट मिनट तक एक्टिव रहिएगा। जिस टीम से मैं खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करूँगा, वो उस टीम का अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर ही देते हैं, तो जुड़िएगा ज़रूर। फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो मैच रहेगा ना, देखो ये वुमेन्स एशिया कप का 20वां मैच इस सीरीज का खेला जाएगा, जो बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस यूएई वुमेन्स के बीच में खेला जा रहा है। ये आपको 8:30 बजे करीब में मॉर्निंग में देखने को मिलेंगे। और ये जो वेन्यू रहेगा, सिलेक्ट क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, यानी कि जो ग्राउंड है वो लास्ट के जितने भी मैचेस खेले गए इसी ग्राउंड पर ही खेले गए थे। एवरेज स्कोर 130 से आपको 150 के बीच में ही देखने को मिलेंगे। पर हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक काफ़ी लोग नहीं जुड़े, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस मैच की जो भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगी, टॉस के बाद इसकी पूरी अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो सर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो पिच है, पिच एक तरह से बैलेंसड ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बैट्समैन बॉलर्स दोनों का रोल ठीक ठाक था। थोड़ी बहुत ऐसा फर्स्टिंग में स्पिनर्स को हेल्प मिले, रिसेंट के मैच में भी आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो स्पिनर्स का रोल वैसे भी हर एक मैच में ठीक ठाक ही जा रहा है। T20 का हम वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल इस ग्राउंड पर 74 मैचेस खेले गए, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 42 बार विन किए, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम 32 बार विन करके आ रही। फर्स्टिंग बैटिंग एवरेज एवरेज स्कोर 152 का रहा था, और यहाँ पर जो सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 142 का आपको देखने को मिलेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश वुमेन्स की टीम की प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर, इनके प्ले स्टार्टर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखो, इनकी टीम ने रिसेंट के जो अपने 5 मैचेस खेली हुई है, जहाँ पे 2 मुकाबले वन, 3 मैचेस इन्होंने लॉस किए, और इनके टीम की ओर से फरगाना नजर आएंगे, जो राइट हैंडर बैट्समैन। T20 के 74 मैचेस 1136 रन 20 के, और जो रिसेंट के अपने 3-4 पारियों में देखो तो इन्होंने 26, उसके बाद 1, 10 और 30 और 6 का स्कोर किए। वैसे भी टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, रिसेंट के पारियों में तो कुछ खास अभी तक बढ़िया इनका मैचेस गए नहीं, पर किसी किसी मैच में देखो तो 1-26 का स्कोर, 30 बड़ा स्कोर सबको देखने को मिलेंगे। तो पर एक एवरेज प्लेयर्स रहेंगे जो आपको 20 प्लस स्कोर करके इस मैच में दे सकते हैं। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कराती है तो अगर आपको रिस्क लेना होगा तो ही आप इन्हें पिक करके चलेगा, वरना आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो। वैसे भी कुछ खास बढ़िया रिकॉर्ड वगैरह है नहीं, तो आप इन्हें ड्रॉप करके ही जाना। उसके बाद यहाँ पर जो मुर्शिदा खातून नजर आएंगे, देखो ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, 2 मैचों में 56 और 21 का स्कोर किया। वैसे भी T20 करियर 59 मैचों में 420 रन 25 के एवरेज है, एज अ कंसेंसर बैट्समैन रहेंगे, जो कि आपको 20 या फिर 25 स्कोर करके इस मैच में दे ही सकती है। देखो ज़्यादातर अगर इनकी टीम सेफ ऑप्शंस के तौर पे कैप्टन या वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग्स में तो करना ही, और स्मॉल लीग इन्वेस्टमेंट करो तो फिर हम एज अ प्लेयर के साथ ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेगर सुद्धारा नजर आएंगे, देखो ये भी टीम की कैप्टनसी कर रही है, एज अ बैटिंग से एवरेज फॉर्म इनके पास भी है। इन्होंने रिसेंट के मैच में 10, 17 और उसके बाद 53 और 36, 12 का स्कोर था। हालांकि एक तरह से देखें तो एज अ बैटिंग से एवरेज फॉर्म ठीक ठाक ही, अगर आप सब चाहो तो इनको एज अ प्लेयर अपने स्मॉल लीग में पिक करके
जा सकते हो। आर अहमद ये टीम की एक मेन ऑलराउंडर है जो लास्ट के मैच में उन्हें कैप्टन भी किए थे, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिला था। हालांकि रिसेंट के मैच में 8 का स्कोर, 2 विकेट से पहले 3 विकेट, 2 विकेट, विकेट टेकर्स काफ़ी शानदार है। 74 मैचों में 64 विकेट लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पिनर्स का रोल ठीक ठाक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी कैप्टन है वैश्विक बन के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। रितु मोनी एज आउट ऑफ फॉर्म, ना तो बैटिंग से कुछ खास बढ़िया रिकॉर्ड है ना तो बॉलिंग से ही है, तो ऐसे प्लेयर्स को रखना नहीं है। अभी आपको जो खातून नजर आएंगे, देखो राइट हैंडर बैट्समैन है, लेग स्पिन बॉलर है, रिसेंट के मैचों में 1 का स्कोर, 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, 2 विकेट निकाले, तो ये थोड़ी एज अ मिडल ऑर्डर बैटिंग करा देती है। पर अगर देखें तो जो भी फॉर्म है सब बॉलिंग से ही है, जो आपको लेग स्पिन बॉलिंग कराते हुए देखने को मिलेंगे। देखो ये किस मौली के सेफ ऑप्शन है जो सब प्लेयर इनको पिक करके जाना, उसके बाद लता और यहाँ पर जो एन अख्तर है ये ग्रैंडली के डिफॉल्ट रहेंगे, यहाँ से हम किसी को रखेंगे नहीं। शर्माना खातून जो लास्ट के मैच प्रोग्रेस से पहले 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, देखो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप इन्हें बिल्कुल ट्राई करके जा सकते हो, या फिर संजीदा खातून या फिर आप शर्माना खातून में से किसी एक को ही पिक करना। और यहाँ से जो तृष्णा एज अ ग्रैंडली के डिफॉल्ट, ना तो बैटिंग से कुछ खास बढ़िया रिकॉर्ड है ना तो बॉलिंग से ही है, तो अभी एज हम इन्हें इग्नोर करके ही जाएंगे। अब इसके सिवा हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक काफ़ी लोग नहीं जुड़े, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस मैच से रिलेटेड जो भी हमारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम रहेंगी इसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जो ईवाई की टीम है इनकी प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर प्लेयर स्टार्टर्स के बारे में, और इनकी टीम ने रिसेंट के जो अपने 5 मैचेस खेली हुई है, 1 मुकाबले 1, 4 मैचेस इन्होंने लॉस किया, और इनकी टीम की ओर से सतीश नजर आएंगे जो इस टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। रिसेंट के पारियों में 19, उसके बाद 1 65 और 14 का स्कोर था। हालांकि इनका T20 जो करियर स्टार्ट से 29 मैचों में 740 रन, 37 का विकेट, ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रहेंगे। देखो इस मौली के तो सेफ ऑप्शन है ही है, पर इनकी टीम पहले बैटिंग कराएंगे तो ही पिक करेंगे, वरना हम इन्हें भी ड्रॉप करके ही जाएंगे। ये टॉस पे ज़्यादातर प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी इसीलिए बोल रहे हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके बाद यहाँ पर जो ऐसा नजर आएंगे ये कैप्टन है वाइस कैप्टन के स्मॉली के सेफ ऑप्शन रहेंगे, जो रिसेंट के मैच में 3 विकेट से पहले 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट टेकर शानदार रहेंगे। बैटिंग से तो अभी तक किसी भी मैच में खास बड़ा स्कोर इनका रहा नहीं। अगर आप इनका T20 करियर स्टार्ट देखो तो 42 मैचों में 1123 रन 23 करोड़ 25 विकेट इनके नाम है, तो बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से इनसे आपको एवरेज फॉर्म ही देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी एज अपडेट इनको पिक करके जा रहे हैं। उसके बाद कवेशा और नताशा में से हम किसी एक को ही पिक करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कवेशा के थोड़ी ऐसा फॉर्म ठीक ठाक है, बैटिंग से रिसेंट के मैच में 18 29 12 4 30 का स्कोर, तो ऐसा बैटिंग से एवरेज फॉर्म इनके पास काफ़ी शानदार है। अगर आप सब जाओ तो इनके साथ ही जाना। उसके बाद यहाँ पर जो मुगल नजर आएंगे ये टीम के एक मेन ऑलराउंडर है जो भी बॉलिंग बैटिंग कराकर दे रही, लास्ट के मैच में 0 विकेट से पहले 1 विकेट 17 का स्कोर 1 विकेट 17 का स्कोर, इस तरह से इन्होंने हर एक मैच में काफ़ी बढ़िया फॉर्म से चला। तो ये राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलर है, कैप्टन है वाइस कैप्टन ग्रैंडिक्स में करना, बाकी इस मौली की इन्वेस्टमेंट करो तो फिर ऐसा प्लेयर के साथ ही जा सकते हो। खुशी शर्मा ग्रैंडली के डिफॉल्ट रहेंगे स्मॉलिंग में, हम यहाँ से इनको रखेंगे नहीं। शमीरा भी जो जीएल के इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आप इन्हें ग्रैंडिक्स में ही ट्राई करना, किसी किसी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब थोड़ी ऐसा महंगा नजर आएंगे तो कोई लेफ्ट मीडियम बॉलर है, लीसेंट के मैच में 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये 4 बार कन्फर्म बॉलिंग कराती है, 1 से 2 विकेट आपको इस मैच में आराम से निकाल कर देंगी। आप सब ऐसा प्लेयर इनको पिक करके जाओ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर महेश कोटे तो रिसेंट के 3 मैच से खेल नहीं रही है, खेलेंगे तो मैं इनकी पूरी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर देंगे। इंदुजा ग्रैंडली की डिफॉल्ट, अगर आप सब सेफ रिस्क ले पाओ तो महेश के साथ जाना, या फिर कोटे खेल दिए तो हम इन दोनों में से किसी एक को पिक करेंगे। इंदुजा ग्रैंडली की डिफॉल्ट रिसेंट के 2 मैच से लगातार ये फ्लॉप गया, राइट मीडियम फास्ट बॉलर है, 18 मैचों में 14 विकेट, ऐसा ग्रैंडिक्स में पिक करना। अब इसके सिवा देखो हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक काफ़ी लोग नहीं जुड़े हैं, उन लोगों से तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लो भाइयों, क्योंकि इस मैच की जो भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम रहेंगी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। अभी हम चलते अपनी ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं। दोस्तों अब देखो यहाँ पर चेंजेस कहाँ पे करना है आपको, देखो मैं ये जो ये टीम है ना, ये देखो इस मौली की हमारी टीम है और मैं इसी टीम के साथ अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले चेंजेस अगर आप चाहो तो अभी कीपिंग सेक्शन से, अगर यहाँ पर ईवाई वुमेंस की टीम पहले बैटिंग करती है तो हम सतीश को पिक करेंगे, टॉस पर डिपेंड करेगा मैच, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसीलिए बॉलर टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और ऑलराउंडर सेक्शन से ड्रॉप किसी को कर सकते हो, देखो मुगल को ड्रॉप करके आप इनके इंग्लिश में चाहो तो किसी दूसरे ऑप्शन जैसे कि खुशी शर्मा को सिलेक्ट करना या फिर बॉलिंग सेक्शन से रिस्क लेना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर अभी हम सेफ जा रहे हैं तो यहाँ पर मुगल के साथ ही जाएंगे। अब बिग चेंजेस यहाँ पर करना, देखो जयराना आलम इस मैच में खेलेंगे तो आप सभी के लिए जो ट्रम्प प्लेयर्स रहेंगे। अभी देखो टॉस के बाद मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, टॉस हो जाने तो उसके बाद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे देंगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
लिंक मिला लगा रहा है। मतलब कैप्टन है वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन से, और वाइस कैप्टनसी के लिए देखें तो हमारे पास जो बॉलिंग सेक्शन से सनसदा अख्तर नज़र आएंगे, ये भी ठीक ठाक ही। अगर आप सब चाहो तो वाइस कैप्टन अपीनिया भी कर सकते हो। अभी थोड़ी हमेशा सेफ रिस्क क्लियर है, और सलमा खातून को एज आ वाइस कप्तान करके जाएंगे। चेंजेस करना चाहो तो अपने इसके अनुसार कुछ भी टीम में चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों अभी हम मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रेडिक्शन के साथ। जिसको भी हमारी फाइनल और एक विनिंग टीम चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया हूँ। अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।